अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं अपनी छत पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कबूतर यहाँ पर एक जोड़ा जो है मादी के पीछे लगा हुआ है, ये अंडों पर है और बाकी कबूतरों ने, सारे कबूतरों ने अंदर बच्चे निकाले हुए हैं। तो आज मैं आपको सारे बच्चों का शौक करवाऊंगा। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कबूतरों ने अंडे दिए थे, सारे ऊपर वाले खुडे में सारे कबूतरों ने अंडे दिए थे, अब उन्होंने बच्चे निकाले हैं। तो बच्चे भी माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें फिर चलते हैं खुडे में। खुडे में कबूतरों ने काफ़ी बच्चे निकाले हुए हैं। तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है बहुत ही अच्छी हुई है इस मंथ की। तो इस मंथ की आपको दिखाते हैं कि कितने कबूतरों ने बच्चे निकाले हैं और बल्कि सारे कबूतरों ने निकाले हैं। तो एक एक करके अंदर चलते हैं, आपको सारे बच्चे दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब अंदर आ गए हैं। तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि कौन से जोड़े के बच्चे निकले हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको इस जोड़े के बच्चे दिखाता हूं। तो ये हमारा जोड़ा काफ़ी अच्छा जोड़ा है और इसने ये दो बच्चे निकाले हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो मैंने काफ़ी अरसे बाद आपको दिखाए हैं। तो ये दो जोड़े के बच्चे हैं माशाल्लाह। एक पहला जोड़ा हो गया, इसके बच्चे हैं और उसके बाद यहाँ पर देखें, ये दो बच्चे हैं। तो माशाल्लाह इस मंथ की ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी हुई है। तो आपको मैं इसीलिए दिखाने के लिए आया था। तो अंडे आपने देखे थे, मेरी वीडियो देखी थी, तो अंडे सारे कबूतरों ने दिए थे और अब जो है सारे कबूतरों ने बच्चे निकाले हैं। तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो आपको मैं इसलिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये दो बच्चे और दूसरे जोड़े के हैं, जो जोड़े आपको देखे हुए हैं सारे। तो माशाल्लाह ये बच्चे भी काफ़ी खूबसूरत निकले हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये दो जोड़े हो गए जिनके बच्चे निकले हैं और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं ऊपर। तो ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बच्चे निकले हुए हैं और ये जोड़ा काफ़ी नायाब जोड़ा है और अभी ये मादी जो है अंडे भी देने वाली है। तो नर जो मादी के पीछे लगा हुआ था उसी के बच्चे हैं। तो माशाल्लाह इस जोड़े के हमारे पास पहले बच्चे नहीं हैं, तो ये सबसे पहले बच्चे यही निकले हैं। तो इस जोड़े के पहले हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्चे आप देख सकते हैं। तो ये हो गए तीन जोड़े, तीन जोड़ों ने ये बच्चे निकाले हैं, एक दो और ये हो गए तीन। तो छह बच्चे यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर नीचे भी एक घोंसला बना हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये एक बच्चा निकला है। तो दूसरा अंडा इसका जो था ख़राब हो गया था, तो इस बच्चे का कलर आपको चेक करवाता हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें, ये इस दोबारा बच्चा निकला है, ब्लैक और सफ़ेद है बिल्कुल। ये इसकी दुम भी देखें, ब्लैक है और पर के ये जो जगह है बिल्कुल ब्लैक है। तो ये इस दोबारा ही बनेगा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। तो ये हो गए चार जोड़े जो ऊपर थे हमारे, तो इन्होंने बच्चे निकाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, एक जोड़ा यहाँ पर बच्चों का भी है। तो माशाल्लाह छोटा सा खुडा है और यह छोटा सा सेटअप भी है। तो इस छोटे से सेटअप में काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हुई है। तो ये दो बच्चे आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह ये पांचवें जोड़े के बच्चे हो गए। और उसके अलावा मैं आपको एक और भी जोड़े ने बच्चे निकाले हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा कबूतर काफ़ी मादी बैठी हुई है। तो ये कबूतर भी काल सिरे के बच्चे हैं, जो कसूरी कबूतर है हमारा, उसके बच्चे। तो माशाल्लाह देखें, सफ़ेद ही निकले हैं, बिल्कुल वाइट हैं। तो यहाँ पर ये मादी जो है लड़ाई करती है, तो इस ये बच्चे आप यहीं से देख लें। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्चे ये भी निकले हुए हैं। तो इस मंथ की ये ब्रीडिंग है और पिछले मंथ आपने देखे थे सारे कबूतरों ने अंडे ही दिए थे, अब जो है इन सारे कबूतरों ने बच्चे ही निकाले हुए हैं। तो ये मैं आपको इसीलिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, आपने पहले भी अंडे देखे थे, तो उसके बाद अब बच्चे दिखा रहा हूँ कि सारे कबूतरों ने बच्चे निकाले हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें, ये जोड़ा जो था, ये इसके आप पहले बच्चे देख चुके थे जो बड़े हो गए, और उसके बाद ये इसने अंडे भी दिए थे। तो अब इसके नीचे बिल्कुल बच्चे निकले हुए हैं, छोटे से मासूम बच्चे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये रात को ही निकले हैं, एक एक ही दिन के बच्चे हैं। तो माशाल्लाह ये
सातवां जोड़ा हो गया जिसके बच्चे हैं, तो एक ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये बच्चे, तीसरे ये जोड़ा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये चौथा जोड़ा, और यहाँ पर ये पांचवें जोड़े का एक ही बच्चा है, उसके बाद ये छठा जोड़ा जिसके दो बच्चे हैं, और सातवां जोड़ा जिसके बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर सात जोड़े हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग हुई है। और उसके अलावा एक जोड़ा नीचे जो मैंने आपको दिखाया था बादशाह कबूतर, वाइट आंखों में जो लगाए थे हमने, वाइट आंखों वाले भी उन्होंने भी बच्चे निकाले हैं, तो आपको वो भी बच्चे दिखाते हैं। तो अब चलते हैं नीचे, तो कबूतर यहीं पर बहरी हैं, तो अब नीचे चलेंगे, इनको दाना वगैरह डालेंगे, तो ये कबूतर अपने बच्चों को खुराक देंगे और उसके बाद ये यहीं पर रहेंगे। तो अब हम चलते हैं नीचे और आपको उस वाइट आंखों वाले जोड़े के भी बच्चों का शौक करवाते हैं। तो दोस्तों अब आ गए हैं नीचे, नीचे वाले खुडे पर, तो माशाल्लाह नीचे वाला खुडा भी आपको दिखाते हैं। तो खुडा मैंने काफ़ी मजबूत बनाया था, और अब ये ब्रीडिंग सिर्फ वीडियो ब्रीडिंग के लिए है, जो मैंने कबूतरों के बच्चे निकलवाए हैं वही आपको दिखा रहे हैं। तो आज सिर्फ बच्चे ही दिखाएंगे माशाल्लाह जो हमारे इस घर में निकले हुए हैं कबूतरों के। तो ऊपर आपने देख लिए, छः सात जोड़ों ने बच्चे निकाले हुए हैं, तो माशाल्लाह 13-14 बच्चे ऊपर हैं। और यहाँ पर ये दिखाते हैं आपको, एक जोड़ा यहाँ पर है और इसके भी माशाल्लाह ये बच्चे देखें, तो काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हुई है इस मंथ की। तो ये जोड़ा जो कि वाइट आंखों वाला था, इनके भी ये बच्चे निकले हुए हैं, तो ये जोड़ा बैठा हुआ है। तो जोड़े को भी हम बाहर नहीं निकालते, क्योंकि अभी तक बाहर नहीं निकाला, कबूतर ऊपर उड़ रहे हैं, तो जब जैसे ही कबूतर उतरेंगे तो इनको भी बाहर निकाल देंगे। तो ये इनके बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्चे, और काफ़ी बेहतरीन प्रोग्रेस है इनकी, और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है इनकी। तो ऊपर जो बच्चे देखे थे उनकी भी ग्रोथ अच्छी थी, और इनकी भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये जोड़ा अब इसको बाहर ही निकलने देते हैं, ताकि ये भी अपने बच्चों को खुराक दे सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में मैंने आपको सारे कबूतरों के बच्चे दिखाए, और इस जोड़े के भी आपने बच्चे देखे। तो ये प्योर वाइट आंखों वाला है, और ये जोड़ा अभी मैंने लगाया था, इनका शौक़ था मुझे इस ये जोड़ा लगाने का, तो मैंने, मेरे पास वाइट आंखों वाले कबूतर कम थे, इसलिए मैंने वाइट आंखों वाला जोड़ा लगाया, ताकि हमारे पास सफ़ेद आंख वाले ज़्यादा कबूतर हो जाएं। तो माशाल्लाह ये जोड़ा अब इनके बच्चे आपको दिखाए मैंने, तो माशाल्लाह तो आपने सारे कबूतरों के बच्चे देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन पर दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।